आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ सहायक परियोजना अधिकारी के कक्ष से उनका हैंडबैग चोरी हो गया। बताया जाता है कि कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है, जिसमें युवक की पहचान हो गई है। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार आभा सिंह निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदाबाग थाना विश्वविद्यालय जिला पंचायत सहायक परियोजना अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। 4 नवंबर को अपना हैंडबैग अपने ऑफिस में रखकर मीटिंग में चली गई थी। वापस आई तो हैंडबैग के अंदर रखा पर्स चोरी हो गया था। घटना के बाद कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए तो कक्ष में एक युवक आता दिखा, जिसकी पहचान सूरज तिवारी निवासी जोरोट के रूप में हुई है, जो कैमरे में बैग में रखे पर्स से 15,000 नगदी, सोने के 6 ग्राम के टॉप्स, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी चोरी कर ले गया। महिला अधिकारी की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि उक्त युवक नीले रंग की फुल टी शर्ट, ऊपर से जैकेट काले कलर की चौकड़ी में पहना था, जो हैंडबैग से पर्स निकाला और जेब में डालते हुए दिखा है, जिसकी पहचान आसपास के लोगों से कराने पर सूरज तिवारी निवासी जोरोट के रूप में हुई है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि उक्त युवक अक्सर कार्यालयों में भी कभी समाज सेवी तो कभी नेता तो कभी पत्रकार बनकर पहुंचता है। इसके पहले भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस ने हिरासत में लिया था और मामला दर्ज कराया गया था। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि दोनों दरवाजे खुले होने के बावजूद भी युवक कितना शातिराना अंदाज में निडरता से सहायक परियोजना अधिकारी के चैम्बर से हैंडबैग चोरी कर रहा है। शक्ल और कपड़ों से आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह एक चोर है, जो बड़ी ही सफाई से बैग में रखे हुए पर्स को चोरी करता है। वीडियो में दिख रहा युवक कभी अपने आप को पत्रकार तो कभी समाज सेवी तो कभी विधायक प्रतिनिधि बताकर लोगों के पास पहुंचता है। ध्यान से देखिए वीडियो में किस तरह से दो बार युवक आता है और जाता है, और तीसरी बार में बैग में रखे पर्स को चोरी करता है।